ऑफ रोडिंग करते करते हम लोगों को कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिल रहा है। पहुंचे कुछ इस तरह के लोकेशन पे, इस साइड में खाई है और इधर ट्रक्स। तो गाइस हम लोग फाइनली पहुंच चुके कुछ इस तरह के लोकेशन पे और ये है हमारा हाफ लॉन्ग का पार्ट टू। तो ऑफ रोडिंग अभी तक हम लोग का ख़त्म नहीं हुआ है। तो गाइस कुछ ऐसा डेंजरस सिचुएशन को हमें अभी टैकल करना पड़ रहा है। सो हाफ लॉन्ग को क्रॉस करके हम लोग आ चुके हैं और तुमजंग के लिए अभी हम लोग को लेना पड़ेगा दूसरा रास्ता, तो चलते हैं। सो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं आगे की तरफ और ऑफ रोडिंग ख़त्म हो गया। अब हम लोग तुमजंग के लिए एक अलग रास्ते पे उठे, उस रास्ते से जा रहे हैं। ऑफ रोडिंग और नहीं मिलने वाला यहाँ पे। तो गाइस फिलहाल हो रहा है बारिश और हम लोग अभी भी रास्ते पे ही है। टाइम हो गया 11:31 और हम लोग निकले थे सुबह 6:30 बजे के बीच में। इतना गंदा रास्ता है ना, बस व्यू अच्छा है और रास्ता बहुत गंदा है और कुछ नहीं। और मेरा बाइक का स्प्रॉकेट से बहुत आवाज़ आ रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। मेरे को डर लग रहा है कि कहीं स्प्रॉकेट ना चला जाए। तो गाइस फाइनली आफ्टर 6 आवर ऑफ ट्रेवलिंग, 6 घंटा जितना हम लोग ने जर्नी कर लिया ऑलरेडी और पूरा थका हुआ हम लोग पहुंच चुके हैं कुछ ऐसा लोकेशन पे। सो आप लोग को ये जो पीक दिख रहा है एकदम ऊपर, हमें चढ़ना है वहाँ पे। सो आप लोग को अच्छे से दिखा दूँ, वहाँ से बहुत अच्छा व्यू मिलेगा। तो अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा करते रहे और करके स्टार्ट करते हैं अपना ट्रैकिंग। तो चलो अभी यहाँ से निकलते हैं। सो गाइस यहाँ तक आप लोग ने अगर वीडियो देख लिया है तो इसके बाद एक बैड न्यूज़ है कि आप लोग को लैंडस्केप में नहीं पोर्ट्रेट में देखना पड़ेगा। हाँ, मैं इतना दिन से ये वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था क्योंकि यही एक इशू आ रहा था मेरे पास, मेरा जो ओरिजिनल फुटेजेस है जो लैंडस्केप में था वो सब करप्ट हो गया था। तो अभी मैंने यहाँ वहाँ से सब जगह से कलेक्ट किया कुछ फुटेजेस, तो आप लोग थोड़ा सा एक्सपीरियंस लीजिए तुमजंग का और पोर्ट्रेट में तो थोड़ा सा प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा। और यहाँ तक अगर देख लिया तो लाइक दबा दो यार और बाकी का पोर्शन देख लो, देख के फिर कमेंट में फीडबैक देना कि आप लोग को ये ब्लॉग कैसा लगा। ट्रैकिंग करने गए हाइपरसोनिक भाई, ये तो 10 रुपये का स्टिक ले आ गया। चलो गाइस मुश्किल वक्त, गाइस हम ट्रैकिंग करने चली रहे और इधर ही हालत फट गया गाइस। यहाँ पे बहुत तेज हवा चल रहा है, आवाज आ रहा है कि नहीं पता नहीं मेरे को। और एक स्नैक्स चल रहा है यहाँ पे छोटा सा, हम ना रहे सारे टीममेट आगे जा चुके हैं और यहाँ का आप नज़ारा देख सकते हैं। ये हम लोग पूरा क्लाउड के अंदर है अभी। तो अभी हम लोग पूरा क्लाउड के अंदर है और ये लाठी को लेके हम लोग चले और ये बच्चे को देखो खाते ही जा रहा है। क्या हवा यार, जन्नत जन्नत। One eternity later. भाई
ढाई तीन घंटे हो गए, ट्रैक ख़त्म ही नहीं हो रहा है और ये मेरा लाइफ का अभी तक का सबसे मुश्किल ट्रैक है। एक तो ये स्लिपरी, बारिश हो गई है और सीधा कान पे घुस जाती है, ठंड भी बहुत है और इंक्लाइन तो मिनिमम 45 होगा, कहीं पे तो बहुत ज़्यादा है, 60-70। शुक्र है मैंने एक ये डंडा जो भी है रख लिया था अपने साथ, सही रहा मेरे लिए। और अभी ज़्यादा नहीं व्यू पॉइंट आने वाला है, ये मेरा ग्रुप का ही है, तो बाकी एक दो लोग ऑलरेडी पहुँच चुके हैं, बाकी 7-8 लोग पता नहीं कहाँ पे। तो आप लोगों ने देखा कि हम लोग एकदम टॉप पे पहुंच चुके थे और हफलोंग से आने का मेरा बहुत दिन हो चुका है, मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, बस यही एक रीज़न था। अब बात यह है कि जो टॉप पे हम लोग पहुंचे वहाँ पे इतना ज़्यादा ठंडा था कि मतलब ब्लॉग करना तो छोड़ो, वहाँ पे हम लोग 5 मिनट से ज़्यादा बैठ भी नहीं पाए, पूरा मतलब बॉडी कांपना स्टार्ट हो गया था, इतना ठंडा था। ऊपर से पूरा सुबह से शाम तक बारिश दिया, हम लोग रात को 1-1.30 बजे आके घर पे पहुंचे, तब तक मतलब बारिश हो ही रहा था। तो उस दिन बहुत ज़्यादा तबीयत वगैरह भी ख़राब हुआ, इसलिए उसके बाद मैं व्लॉग को कंटिन्यू नहीं कर पा रहा था, तो पार्ट 1 भी थोड़ा लेट हुआ और पार्ट 2 भी थोड़ा लेट हो गया। पार्ट 2 का तो यही था मेन रीज़न कि फुटेजेस करप्ट हो गए थे। अगर आप लोगों ने यहाँ तक ये वीडियो देख लिया है तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा और ये जो पोर्ट्रेट में मैंने डाला, आई होप नेक्स्ट टाइम से ऐसा ना हो और थोड़ा ध्यान रखूँगा अपना क्लिप्स का। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले किसी मस्त वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।